أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं मेरा, आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज करते हैं जो सूरा, उसको बहुत गौर से सुनना है एक बार फिर। अखलाकी बुराइयां और उसकी क्या सजा है वो देखना है, और हम सबको अपना अपना जायजा लेना है। जाहिर है ये सारी सूरे मक्की हैं, तो इनके डायरेक्ट जो फर्स्ट ऑडियंस हैं वो तो बेशक कुरैश है, लेकिन कुरान में इस सूरा को मत रखने का मतलब क्या है? अब तो कुरैश नहीं है ना सामने, अब हम हैं सामने, पूरी उम्मत है, पूरी इंसानियत है। तो अब अल्लाह ताला की ये सारी बातें हमें अपने अंदर, मतलब हमें चेक करना होगा अपने आप को इन सब चीजों को के की रोशनी में, कि ये चीजें जिनको हम इतनी लाइटली लेते हैं वो कितनी ग्रेव हैं, कितनी खतरनाक है। आज की जो सूरा है वो है जबान की खराबी और उसके अंजाम के बारे में, कि जबान वो चीज है जो जहन्नम में ले जाने की बड़ी, मतलब एक बड़ी वजह है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जबान ऐसी चीज है कि सुभान अल्लाह वो थकती भी नहीं है। जिस्म की सारी मसल्स थक जाती हैं, जबान कभी थकती भी नहीं है। आज तक नहीं सुना कि कोई कह रहा हो कि जबान थकी। जो बहुत ज्यादा अगर किसी ने बोला तो वो भी ये कहता है कि मेरे जॉज थक गए, मेरे जबड़े थक गए, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मेरी जबान थक गई। तो अल्लाह ताला ने ये न थकने वाली जबान दी थी अपना जिक्र करने के लिए, लेकिन हम कहीं चेक करना है कि जबान की इस एनर्जी को किसी दूसरी चीज में तो नहीं लगा रहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے और गिनता जाए। वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा, हरगिज नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, वो उन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी बड़े बड़े सुतूनों में। सीधे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे ही चलते हैं। जैसा कि बताया कि इस सूरा का कोई ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, तो एक एक आयत करते जाएंगे और उसी वक्त देखते जाएंगे कि क्या हमारे लिए इसमें अमल का पॉइंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ इस सूरा को पढ़ना और समझना अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मी साथ नाम, अल्लाह ही अल्लाह के, जो बहुत बीच में बताती हूँ कि ये बिस्मी, बी की वजह से इस्मी के नीचे जेर आया। आपको बताया था कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो अपने आगे आने वाले नाउन को, इस्म को जेर दे देते हैं। बी उन्हीं में से एक हर्फ है। अगर ये बी ना होता तो ये इस्मो होता, कोई भी नाउन पेश के साथ ही होता है, जेर या जबर में जाने की कोई वजह होती है। तो यहाँ पे वजह क्या है कि उससे पहले बी आ गया, और बी वो पार्टिकल्स या वो हुरूफ होते हैं जो अपने आगे आने वाले नाउन को जेर दे देते हैं। दूसरी बात, तो ये हो गया सात नाम, फिर ये के कहाँ से आया? आप देखें उर्दू में हम ये सब लगाते हैं ना, अब
ऐसे बिना वजह ही नहीं लगा दिया, ये यहां नजर आ रहा है मुझे। जब भी दो इस्म, दो नाउन साइड बाय साइड हो, जैसे देखिए यहाँ पे इस्मी और अल्लाह ही, अब ये अल्लाह ही के नीचे की भी जेर खुद से नहीं आई है, किसी वजह से आई है, और वही वजह थोड़ी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिस्मी की तो आपको पता चल गई कि ये इसकी वजह से जेर है। अब इस्मिल्लाह, ये दो नाउन साइड बाय साइड जब आते हैं और दूसरे वाले इस्म या नाउन के नीचे जेर आपको नजर आए, ऐसे में इस इस्म से इस इस्म का ताल्लुक होता है, अल्लाह का नाम। अब ये नाम किसका है? अल्लाह का, अल्लाह का नाम। और यही इस जेर ने हमको बता दिया था कि हमको यहाँ पे के लिखना है, क्योंकि नाम और अल्लाह के बीच में ताल्लुक है। और उर्दू में हम ताल्लुक जब बताते हैं तो का की के से बताते हैं, उसका, उसकी, उनका, उनका घर, उनका नाम, है ना। या अगर पर्सनल होता है, मतलब कि उससे होता है, तो फिर मेरा, मेरी लगा लेते हैं, रारी लगा लेते हैं। सात नाम अल्लाह के, अर रहमान जो बहुत मेहरबान, मुबालगे का सेगा है ये, फालान इस वजन पे जब कुछ आता है, इस वजन पे कोई भी वर्ड इस साउंड के ऊपर, रहमान, गदबान, अतशान, इसमें सब में बहुत ज्यादा का मीनिंग है। मैंने तो सिर्फ बहुत लिख दिया, आपको पता होना चाहिए बहुत ज्यादा भी बहुत कम है। ये बहुत ज्यादा अगर बहुत बार लिखे फिर भी कम है, इतना ज्यादा मेहरबान, बहुत ज्यादा मेहरबान। अब तर्जुमे में तो आप वहां देखेंगे और आप याद भी कर ले बहुत मेहरबान, लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत 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 जो है, समझिए कि ऐसा है, टू दी पार इंफिनिटी है, बहुत ज्यादा मेहरबान। और रहीम निहायत रहम करने वाला है। जब भी रहीम इस साउंड पे कोई लफ्ज आएगा, रहीम रहम करने वाला, करीम करम करने वाला, खबीर खबर रखने वाला, अलीम जानने वाला, तो जब भी इस वजन पे आएगा तो आप उसका तर्जुमा देखेंगी, 99.9% वाला के साथ आप तर्जुमा देख रही होंगी, ठीक है, उस काम को, उस रूट लेटर को करने वाला। निहायत रहम, अब रहमी में तो निहायत रहम करने वाला, देखिए इस वजन के अंदर, इस साउंड के अंदर ये मीनिंग आ गई। इस वाला है वर्ड जो उर्दू में एक्स्ट्रा हमको लिखना पड़ रहा है, वो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, बस इस जेर जबर से, जेर जबर सुकून की हरकात अलामत लगाने से जो साउंड निकली उससे हमें दो लफ्ज लिखने से बच गए। तो अर रहीम इसका तर्जुमा होगा निहायत रहम करने वाला, और ये सेंटेंस पूरा हो गया तो हमने है लगा दिया। वैलुन हलाकत है, ये मीनिंग याद होना चाहिए आपको, ये पहले सूरा में आ चुका है, हलाकत है। और एक दूसरा मीनिंग भी हमने बताया था, कोई बताएगा? जहन्नम की वादी। जी हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहन्नम की एक वादी का नाम भी, जहन्नम की एक घाटी कह लें तो ज्यादा खतरनाक सा साउंड करता है, वो भी सही है। जहन्नम की एक वादी या घाटी का नाम, जहन्नम में एक जगह है उसका नाम भी वैल है, तो हलाकत है, हलाकत है, या जहन्नम की ये घाटी है उनके लिए, है ना, यहाँ रिजर्वेशन है उनके लिए। ली मतलब होता है फॉर, इसमें दो लफ्ज हैं, पहला लफ्ज आपको आता है और दूसरा आप उर्दू में जो बोलते हैं वही है, ली प्लस कुल्ली, कुल कहते हैं ना सबको, तो मतलब वही हो गया, लिकुल्ली वास्ते, वास्ते कहते हैं, लिए कहते हैं, तो लिए भी कर सकती हैं तर्जुमा आप, लेकिन आपके पास जो जाएगा तो वास्ते ही जाएगा शायद, तो मैं वही कर दूं। वास्ते हर हुमजह, अब ये तो जैसे हमने बताया था ना, आप सभी दो पूछ रहे थे, अब ये दो भी अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये याद नहीं होंगे तो फिर हम इनसे बचेंगे कैसे, अगर हमें यही नहीं पता है कि अल्लाह ताला किन चीजों पे इतना नाराज हो रहा है, और जिन गुनाहों का आ जाता है, जिन बातों पे अल्लाह की ये वईद आ जाती है, तो वो गुनाह कबीरा में चले जाते हैं। तो अब गुनाह कबीरा से तो हमको बचना ही बचना है, वो तो सिंपल अस्तगफार की तस्बीह से नहीं माफ होते, वो फिर
शौरी तौर पर अस्तगफार करने पर माफ होते हैं, और अस्तगफार की जो 5 शरायत हैं गुनाह कबीरा, उन शरायत के साथ अस्तगफार करने पे माफ होते हैं। सिर्फ तस्बीह पढ़ लेने से नहीं माफ होते, तस्बीह पढ़ लेने से तो अनजाने जाने अनजाने छोटे मोटे गुनाह, जिनको कि हम शायद गुनाह भी नहीं समझते लेकिन अल्लाह की नजर में वो है, वो है, वो माफ होते हैं। हुमजा ऐब लगाने वाले, और इसकी जो ये देखिए ये बोलता जो है, ये जैसे भी कहा था कि रहमान का मुबालगा का ये वजन मुबालगे का है, ये बोलता जो यहाँ पे आई है ये मुबालगे के लिए आई है, बहुत ज्यादा लगाने के लिए आई, मतलब बहुत ज्यादा ऐब लगाने वाले के लिए, कि वो इंसान इसी फिक्र में ही लगा रहता है कि जी हर वक्त ऐब लगाना, हर वक्त नुक्ता चीनी करना। अभी इसकी तफसीर देखेंगे, जब वर्ड मीनिंग जो आपको याद है, जब तफसीर में पूरी डिटेल आएगी कि बहुत सारी चीजें हुमजा के अंदर आएंगी, सिर्फ ऐब ही नहीं होगा, तो वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। और हुमजा और लुमजा, इन दो के हुमजा लुमजा के एक साथ ही बना लेंगे हम लोग नोट्स उन सारी बुराइयों से, क्योंकि बाज तफसीर में है कि ये दोनों हम माना भी है और फर्क भी है, बिल्कुल ऐसे जैसे रहमान और रहीम हम माना भी है और फर्क भी है। हम माना कैसे है कि ये दोनों ही चीज लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली, तो वर्ड मीनिंग याद करने के लिए हुमजा ऐब लगाने वाले, हुमजा ऐब लगाने वाले, हुमजा ऐब लगाने वाले। और जब हुमजा पढ़े तो पूरी उसी तजवीद से पढ़ ले, हुमजा, इस हा की आवाज को भी निकालें, हुमजा ऐब लगाने वाले, हुम, क्योंकि 7 बार पढ़ेंगे तो सही सही प्रैक्टिस कर ले, बजाय इसके कि हम गलत करें तो वो गलत की आदत हो जाती है। हुमजा वगैरह सब सही सही, हुमजा ऐब लगाने वाले, हुमजा ऐब लगाने वाले, मैंने 7 बार इसलिए पढ़ दिया कि आपके 7 बार आप सुन लें। लुमजा गीबत करने वाले, अभी मैं हिंट दे दूंगी इंशाल्लाह, एक बहुत आसान सी हिंट, आपको उससे इतना आसानी से याद हो जाएगा कि शायद याद ही ना करना पड़े। अब यहाँ पे लगाने वाले के कर दें, क्योंकि सेंटेंस बना रहे हैं ना उर्दू का। अच्छा अब देखिए, जब आप अरेबिक में अल्फाबेट्स पढ़ती हैं तो आइन पहले आता है, गैन बाद में आता है ना, तो ऐब पहले और गीबत बाद में, इस तरह याद कर ली, हुमजा ऐब और लुमजा गीबत। गीबत लगाई नहीं जाती, गीबत की जाती है। यहाँ पे एक बात आप याद रख लें, जबान के सारे गुनाह इन इस सूरा के अंदर उसकी वईद है। ये वईद कौन कह रहा है, ये आयत कौन कह रहा है, ये अल्लाह सुबहान व तआला कह रहे हैं, ठीक है। और जब हम किसी के ऊपर ये ताना करना, कमेंट करना, ऐब लगाना, गीबत करना, ऐब जोई करना, बहुत कुछ है जब कर रहे होते हैं, तो अगला बंदा क्या होता है, मजलूम होता है। वो मजलूम चूंकि हमारे पास किसी वजह से पावर होती है तो हम कर रहे होते हैं, वो अगला बंदा मजलूम है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है या फाइट बैक नहीं कर पा रहा है, तो हम अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मजलूम की तो वो बद्दुआ लगी रही होगी, दिल तो उसका आजाद है ना, जबान हमारे आगे नहीं खुल पा रही है लेकिन दिल तो सबका आजाद है, तो जाहिर है दिल से आह निकल रही है जो अर्श पे सीधे जा रही है। तो दूसरों को हकीर, कमजोर और जलील समझता है ऐसा इंसान, कभी वो उंगलियों से इशारा करके अपने दोस्त से कुछ उंगलियों से इशारा करके किसी की तरफ बताता है ऐसा इंसान, और कभी आंखों से भी जो इशारा करके किसी का, कोई कुछ ऐसा कलर पहन के आया, लीव इट, वो उसकी मर्जी है, उसकी पसंद है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, शायद कि इस वक्त उस फैशन में नहीं है लेकिन वो पहन के आया, आपने अपनी दोस्त को आंख से इशारा किया कि देखो ये क्या पहन के आई है, ये इस मौके पे ये पहन के आई है, तो ये इशारा भी आपको पता है कि कौन देख रहा है, वो देख रहा है जो ये खबर दे रहा है, जो इस जहन्नम की वादी और हलाकत की खबर दे रहा है, उसने वो इशारा भी देख लिया, उंगली का और वो आंख का इशारा भी उसने नोट कर लिया। फिर किसी की जात में कीड़े निकालना,
जैसे किसी को भी मैंने बोला था, मोटी कह देना, काली कह देना, छोटी कह देना, नाटी कह देना। आगे चलते हैं, यहाँ तो दूसरी आयत में पता चल रही है कि ऐसा शख्स ऐसा करता क्यों है, क्यों करता है वो ऐसा। अल्लदी, वो जो, मैंने बताया था अल्लदी सिंगुलर है, वो जो, और अल्लदीना इसी का प्लूरल यानी जमा है, वो लोग जो, या वो जिन्होंने। तो चूंकि ये लफ्ज बहुत आता है तो ऐसे लफ्ज मैं चाहती हूँ थोड़ा बता दूं आपको। वो जो जमा, उसने जमा किया, मैंने बताया था कि ये इस तरह के लफ्ज, खलका उसने पैदा किया, जमा उसने जमा किया, ये पास्ट टेंस होता है और तर्जुमा कर रहे होते ही के साथ। ठीक है, ये देखिए, ही उसने जमा किया, वो जो, उसने जमा किया, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और तर्जुमा सही से आ जाए वो जिसने कर लेते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो वो जो है, लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा कैसे, जिसने, क्योंकि जब कोई जमा करता है तो फिर हम जिसने लगाते हैं ना, वो जो तो नहीं कहते, वो जिसने जमा किया मालन। अब देखिए, मैं कहूंगी बहुत सारा माल, अब आप कहेंगे बहुत सारा माल तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ मालन ही दिख रहा है। इस तनवीन से मुझे पता चला कि ये बहुत सारा माल, वो जिसने जमा किया बहुत सारा माल, लेकिन तर्जुमे में आपको सिर्फ माल ही याद करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली चीजें आप छोड़ दीजिएगा, ये समझने के लिए कि वो बहुत ज्यादा मालदार है, उसने माल बहुत ज्यादा जमा किया। आपको पता है, माल जब ज्यादा आता है तो खानदान के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक पोजीशन भी हमारी, एक स्टेटस भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, एक पोजीशन भी हमारी बड़ी हो जाती है। तो वो जिसने जमा किया मालन, माल, और तनवीन से मुझे पता चला बहुत सारा, वअद्दद, वह का मतलब है और, अद्दद का मतलब है और उसने खूब गिना। ये अदा अगर होता तो उसने गिना, और ये शब्द जब आती है तो ये उसने गिना, ये एंटर कर जाता है एक दूसरे पार्ट ऑफ वर्ब में जिसमें कि ज्यादा का मीनिंग आ जाता है। तो और अभी मैंने बताया था पास्ट और ही होता अदा, और ये शब्द हो रहा है और उसने गिन गिन के रखा, और ये हु जा रहा है माल को, उसे, उस माल को बहुत गिन गिन के रखा। तो इससे पता चल रहा है, मालन से पता चल रहा है कि वो मालदार है बहुत, ऐसा शख्स जिसके अंदर ये चीज आ जाती है, ये चीज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसकी खसूसियत बता दी जा रही है कि उसके पास, उसको अल्लाह ताला ने माल बहुत सारा दिया, अमीर भी बहुत है, और गिन गिन के रखने का क्या मतलब है? कौन इंसान हर वक्त अपना अकाउंट चेक करता है, गिनता है? उसको ये रहता है कि कम ना हो ज्यादा ही होता जाए। मतलब क्या है, इस वअद्ददहू से पता चल रहा है कि वो कंजूस भी है, अमीर भी है, वो अमीर भी बहुत है और बकील भी बहुत। अमीर का इससे पता चल रहा है और कंजूस का इससे पता चल रहा है कि गिन गिन के माल रखता है। इन दोनों की वजह से उसका ये अखलाक बना। अब देखते हैं कि इस माल की वजह से वो माल जमा क्यों कर रहा है। आगे बताया ये कि भाई वो माल जमा कर, माल कमा भी रहा है, मतलब मालदार है भी बहुत और कंजूस भी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? यह सब, हा सीन बा इसका रूट लेटर है, समझना। यह सब, यह से पता चला वो, और हा सीन बा मैंने जैसे कहा समझना, तो वो समझता है, ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट टेंस में कर रही हूं। अन्ना, बेशक, अन्ना भी आपने बहुत बार कर लिया, अब तक आपको आ गया होगा, इसीलिए कहते हैं वर्ड टू वर्ड करेंगी तो एक टाइम आएगा कि बहुत सारे अल्फाज आपको आते ही रहेंगे। यह सबू, वो समझता है, अन्ना, बेशक, मा लहू, देखें तब्बत यदा अभी लहब में वहां पे मा लुहू था और यहाँ पे मा लहू है, और ये दोनों गुड़मुड़ कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे याद रखेंगी कि इस सूरा में आप क्या पढ़ेंगी, मा लहू पढ़ेंगी, मा लहू। ठीक है, और इस चीज को ऐसे याद रखेंगी कि हुमजा लुमजा में
माँ लहू पढ़ना है मुझे। माल का मतलब तो आप समझती हैं, उसको मैं माल ही लिखूंगी भी। और हू उसका, वो समझता है कि बेशक माल उसका अखलदा हमेशगी बख्शेगा, मतलब हमेशा रखेगा। खालिद खा लाम दाल का मतलब होता है हमेशा, हमेशगी बख्शेगा उसे, बख्शे हमेशगी बख्शेगा, ये हो गया। और ये हु जो है ये उसी शख्स को जा, उसे हमेशगी बख्शेगा उसे। देखिए इसलिए अखलदा, अगर अखलदा ऐसे पढ़ दिया अखलदा और ह निकाला ही नहीं, ह को निकालना होता है अखलदा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, वरना ये तो ये एक वर्ड आपका रह ही जाएगा, है ना। उसे हमेशगी बख्शेगा, क्या बख्शेगा, किसे, उसे, ठीक है। तो ये निकालना है, एक वर्ड है ये। अब ये देखना है कि हमेशगी बख्शेगा का क्या मतलब है। एक तो वो ये समझता है कि हमारे पास माल रहेगा, तो जाहिर है हमारे पास माल है, पैसा है, हम उसको खर्च ना करें, जमा करके बहुत सारा अकाउंट में रखें, क्या पता बुढ़ापे में हमारे पास कौन सी बीमारी आए तो हम सेहत ले लेंगे, इससे जिंदगी खरीद लेंगे ना। वो ऐसा समझता है कि सेहत लेंगे इससे जिंदगी भी लंबी होगी। एक तो ये मीनिंग इसका दिया गया। दूसरा मीनिंग क्या दिया गया कि वो समझता है कि अगर मैं बहुत सारा माल जमा करूंगा कि इस माल के जरिए ऐसे आसार छोड़ के जाए दुनिया में जिससे वो तो मर जाएगा, उसको ही तो पता है कि वो मरेगा, वो हमेशा थोड़ी रहेगा, उसको यकीन है कि वो एक दिन मरेगा, लेकिन इस माल की वजह से वो ऐसा कुछ, या तो माल ही इतना छोड़ जाए कि लोग उसे याद करें, या कुछ ऐसा बना जाए, ताजमहल बना जाए, पिरामिड बना जाए, क्या वजह हुई, जो हम आज इजिप्ट के पिरामिड खड़े हुए देखते हैं, क्या वजह है। उन बादशाहों को भी ये शौक था कि वो कुछ ऐसा बना जाए कि आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं ना, तो वो हमारी यादों में उनकी हमेशगी है, वो हमारी, कहते हैं ना, यादों में जिंदा है, तो ये उनकी नियत होती है। इस वजह से वो माल जमा करके रखते हैं और बखीली के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि वो बहुत सारा माल या उस माल के जरिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे लोग उन्हें याद करें। आज भी आप देखते हैं कि लोग, ज्यादा माल होता है तो फिर वो सोचते हैं कि हम शादी इस तरह से करें कि वो इंटरनेट पे पब्लिश हो रही है, वो लोग जान रहे हो। यादों में जिंदा रहना चाहता है ऐसा शख्स, उसको इसका लालच, इसका शौक हो जाता है। तो वो समझता है बेशक माल उसका, जाहिर है माल से उसको ये पावर तो मिल ही रहा है, ये पार तो मिल ही रहा है, अपने सामने अपने से कम हैसियत लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करने का, अपनी माल की वजह से आई हुई बड़ी पोजीशन का इस्तेमाल करके इन गुनाहों को कमाने का, साथ ही उसको ये भी शौक होता है। ये उसी के, उसका किरदार एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमेशगी बख्शेगा उसे, वो कुछ ऐसा घर बना जाए, वो कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट बना जाए, वो कुछ ऐसा कर जाए कि उसे लोग उसके मर जाने के बाद भी याद करें। तो ये समझता है कि इस ऐसे में उसे माल से बहुत मोहब्बत होती रहती है। कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला का मतलब होता है हरगिज नहीं। ये जो बात हो रही होती है तो उसके उस सोच को, जो उसकी सोच है, इसको कौन कह रहा है कल्ला, ये अल्लाह सुबहानहु व तआला कह रहे हैं कल्ला, हरगिज नहीं। बस इतना कहा, ये नहीं कहा कि हरगिज ऐसा नहीं होगा, इसकी सोच गलत है, वो तो वक्त पे अपने मर जाएगा, उसको कोई याद भी नहीं करेगा, ये सब कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बस दो लफ्ज में इन सारी सोच की, ये दोनों आयतों के अंदर जो उसकी सोच है उसकी पूरी सख्ती के साथ काट कर दी गई। और कल्ला, हरगिज नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसके बाद आप देखेंगे कि कारी हजरात यहाँ पे 1 सेकंड का सख्ता भी करते हैं, कल्ला जिस उसके अंदर हैवीनेस देने के लिए। वो जाहिर है वो जब अरबिक समझ में आएगी तभी वो सारी बातें भी समझ में आएंगी। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुम बदन्ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनकी बात को काटा कौमा, और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उस शख्स के साथ क्या होगा। लयुम बदन्ना, ला का मतलब होता है यकीनन, इंडीड का मतलब, इंग्लिश में जैसे आप समझ लें इंडीड, है ना, आपके उसमें अलबत्ता ही होगा, तो इसलिए मैं यही लिख दे रही हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन मतलब समझ लें कि यकीनी बात है ये, यकीनन ये मीनिंग है। और ये भी एक यकीनी है बात,
और ये नून जब शद के साथ आता है आखिर में तो ये भी मीनिंग देता है जरूर का। नून शद जब आता है आखिर में तो ये भी आता है ताकीद के लिए। तो अलबत्ता यू से पता चल रहा है वो नून शद, जैसे हमने बताया यहां से लिखेंगे जरूर। अब ना बादा, अब ये सजा आ रही है। अभी तक तो इसकी शख्सियत के बारे में बात हो रही थी कि ये उसके शौक है और ये उसकी चाहत है। अब वापस आ जाइए हुमजह लुमजह पर, इसकी सजा बताई जा रही है ना। ये तो उसके सब शौक थे लेकिन गुनाह उसका क्या था, ये जबान वाले ये दो गुनाह, हुमजह लुमजह, इसकी सजा यहाँ पे आ रही है। अलबत्ता यानी यकीनन वो, और फिर जरूर, ये अल्लाह सुबहानहु ताला कह रहे हैं जरूर। नबदा का मतलब होता है किसी चीज को हकीर समझकर फेंक देना, जैसे कूड़े को फेंक देते हैं बिन में, उस तरह से समझे यहाँ पे। क्यों? किसी चीज को हकीर समझकर, मैं यहां नहीं लिख रही हूँ, टाइम लग जाएगा, आप सुन के लिख लीजिएगा बाद में। किसी चीज को हकीर समझकर फेंक देना, देखें गुनाह जैसा होता है सजा उसी तरह होती है ना, जिस तरह का गुनाह होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं। याद रखें जो भी सजा है वो इंसाफ के तकाजे के तहत है, हकारत के साथ थ्रो कर देना। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने सामने वाले को हकीर समझकर उसके अंदर ऐब लगाए थे, सामने भी उसके, पब्लिक में भी और पीठ पीछे भी। उसने उस पे कमेंट किया था, नुक्ताचीनी की थी, ऐब जुई की थी और गीबत और इल्जाम तराशी, और इसी चक्कर में वो लगा रहता था। तो चूंकि वो लोगों को हकीर समझ के ऐसा करता था, इसलिए सजा में भी उसको सिर्फ फेंका नहीं गया बल्कि नबदा किया गया। नबदा का मतलब है हकारत के साथ फेंका गया, क्योंकि उसने भी दुनिया में लोगों को क्या समझा था, हकीर समझा था, अपने से कम माल वालों को, कम हैसियत वालों को क्या समझा था, हकीर समझा था। अलबत्ता वो जरूर फेंका जाएगा। फिल होता माह, फी का मतलब है में, और देखिए फी भी उन्हीं अल्फाज में से है जो मैंने बताए थे कि जेर देते हैं, तो ये आगे जेर आ गई। अल हुतमा, हुतमा में अगली आयत में पता चलेगा कि हुतमा क्या है। साथ याद कीजिएगा फिल हुतमा, हुतमा में। तो अब सजा क्या मिली उसको, कि अलबत्ता वो जरूर फेंका जाएगा हुतमा में। अब अल्लाह ताला ने ये हुतमा, और फिर अगली आयत में वमा अदरा कमल हुतमा, सोचने पे मजबूर किया जा रहा है वो शख्स जो हुमजह लुमजह करता है, उसको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है हुतमा क्या जगह है। अगली आयत में वमा, वा का मतलब होता है और, माँ के हमने आपको तीन मीनिंग बताए थे और मैंने कहा था ये तीनों यूज होंगे, इसीलिए पहले से ही बता के आपको तैयार करके रखा था, उसमें से आज दूसरा आ रहा है। माँ का मतलब होता है जो, माँ का कभी मतलब होता है क्या, और माँ का मतलब होता है नहीं भी। तो पहले से आपको तैयार करके रखते हैं जिससे आप परेशान ना हो जाएं कि हमने तो जो जो माँ जो माँ जो याद किया है, अब आज हो रहा है माँ क्या। तो हाँ पहले से ही आपको बता दिया गया था कि कभी आएगा। तो वमा अदराका, जब भी माँ अदराका, ये लफ्ज भी बहुत आयतों में आएगा, माँ अदराका, तो वहां पे माँ का तर्जुमा आप क्या कर लीजिए, क्या करेंगी, और क्या अदराका, इदराक बोलते हैं ना पता करने को, इदराक मालूम हो जाना, पता कर लेना, बताना किसी चीज का, और क्या बताए का मतलब है आपको, वमा और क्या बताए आपको, माँ क्या क्या है, अल हुतमा। अभी देखिए इस आयत में भी हुतमा का सस्पेंस बाकी है, क्या बताए आपको क्या है हुतमा, मतलब उसको हुतमा में फेंका जाएगा तो ये हुतमा क्या है, कौन सी जगह है जहां वो फेंका जाएगा। नारुल्लाही, नारु इसके पीछे कोई लफ्ज नहीं है, तो आपने देखा कि नारू यहाँ पे पेश के साथ है ये लफ्ज, है ना, हमने बात बाय डिफॉल्ट कोई भी लफ्ज पेश के साथ होता है, तो नारू पेश के साथ है। नार का मतलब होता है आग, क्योंकि जेर के ये दो ही केस हैं, दोनों मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर का एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन आपने कर लिया अनजाने में ही। तो नारुल्लाही, जब दो नाउन साइड बाई साइड हो और
दूसरे वाले नाउन के आखिर में जेर हो तो इससे इसका ताल्लुक होता है। फिर बाद वाले को पहले बोलेंगे अल्लाह की आग। ये वाहिद जगह है, मतलब इस जुर्म की ग्रेविटी को बहुत गौर से हमको समझना है कि ये वाहिद जगह है जहां अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को खुद से मंसूब किया, वरना कयामत का या जहन्नम की सजाएं वो सब पैसिव वॉइस में अल्लाह ताला बता देते हैं। इदा जुलजिलतिल अर्द जिलजालहा, जब हिला दी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना उसका। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि और मैं हिला दूंगा या मैं उसको हिला देने का हुक्म दूंगा, ये अल्लाह ताला ने मैं को अपने आप को वहां मंसूब नहीं किया। इस तरह ज्यादातर सिर्फ ये एक आयत है जहां पे आप देखेंगे कि जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने अपने साथ मंसूब किया। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे इस आग में जिसमें वो फेंका जाएगा, हुतमा के बारे में बता रहे हैं। इस हुतमा को अल्लाह ताला ने क्या कहा? नारुल्लाही। इस हुतमा की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह की आग है। और आगे अल्लाह ताला के मुकदह भड़काई हुई, अल्लाह की आग ही काफी थी, उसको भी क्या है? भड़काई हुई। क्या इतना ही कह देना हमें इन गुनाहों से बच जाने के लिए काफी था? बार बार मैं दिखा रही हूं कि ये लफ्ज दिमाग में पिक्चर खींच के सेव हो जाए। ये किसी को सामने तकलीफ पहुंचाना, ये पीठ पीछे तकलीफ पहुंचाना। अल्लती, अल्लदी का फेमिनिन है। अल्लदी, अल्लदी वो जो मेल के लिए, और अल्लती वो जो फीमेल के लिए। अब ये अल्लादी ये कनेक्ट कर रहा है, ये पिछली उसमें अल्लती वो जो, तो ये वो किसके लिए है? ये वो नार के लिए है, आग के लिए है। ठीक है, नार क्या है? फेमिनिन है, अरबिक लैंग्वेज में नार फेमिनिन। तो ये अल्लती किसके लिए आ रही है? नार के लिए, नारुल्लाही का जो नार था उसके लिए आ रही है। और ये क्या है? फीमेल, आग। अब इसी के हिसाब से आप देखेंगे सारे प्रोनाउन जो है आग के लिए शी यानी हर वाले यूज हो रहे होंगे, आगे भी आप देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसी से पता चल जाएगा जहां हु होगा वहां उस शख्स की बात हो रही होगी, जहां हा की जमीर यानी शी की जमीर आ जाएगी हम समझ जाएंगे कि यहाँ आग की बात हो रही है। और अभी आप भी इसी तरह देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लती वो जो, उत्तमा की ही डेफिनेशन बताई अल्लाह ताला ने कि उत्तमा क्या थी? नारुल्लाही थी। तो जब भी हुतमा, जब ये सूरा पढ़ेंगे तो ना हुतमा पढ़ेंगे तो अगली आयत से पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि नारुल्लाही की बात हो रही है ये। तो अल्लती वो जो, तत्तलियू चढ़ आती है, ये प्रेजेंट का है तो इसलिए देखें प्रेजेंट में वो कर रहे हैं। ता लाम ऐन रूट लेटर है, और आप इसी तरह कहते हैं सूरज तुलू हुआ, तो क्या होता है? सूरज जब ऊपर आता है तब आप कहते हैं ना सूरज तुलू हुआ, तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे याद ना हो तो आप किसी चीज से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। ता लाम ऐन, अब दिमाग में लाइए इन हुरूफ से कौन सा लफ्ज आप आम बोलचाल में बोलते हैं? तुलू बोलते हैं, सूरज तुलू हो गया। तुलू का मतलब क्या हो गया? सूरज चढ़ गया। आम बोलचाल में ये बोलते हैं, तो उसी से चढ़ आती है। अलल अफिदा, अला पर, और मैंने आपको बताया था कुछ अल्फाज जेर वाला, बस मैं इसलिए बताती हूँ कि जेर के सिर्फ दो रीजन है, वो दोनों रीजन मैं आपको बता चुकी, तो अब बार बार बता के मैं आपको यहीं पे सोच चाहती हूँ कि याद भी हो जाए आपको। तो अल्लाह वो अल्फाज हैं जो कि अपने आगे आने वाले वर्ड को क्या दे देते हैं? जेर दे देते हैं। वो बी, फी, मिन, अला, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं। तो जब इससे पहले आया तो देखिए इत्ता के नीचे आपको जेर नजर आ रही, ठीक है, ये अल्लाह की वजह से ये जेर आई, अलल अफ पर। और अफ इदह आप तर्जुमा देखेंगे दिलों पर, और इसको थोड़ा सा समझना है हमें कि ये दिल के लिए आपने और भी वर्ड आप अरबिक के जानती हैं, कल्ब। अफ इदह, अफ इदह आप देख रहे हैं दिलों तर्जुमा किया, इससे आपको पता चल गया कि प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है फुआद, फुआद मतलब होता है दिल, और अफ इदह उसका प्लूरल है दिलों। अल्लती वो जो, यानी वो आग जो चढ़ आती है या चढ़ आएगी, आपको पता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए एक ही वर्ड होता है। अलल अफ इदह दिलों पर,
कल्ब का लफ्ज यहाँ नहीं आया। कल्ब का मतलब होता है ये दिल, ये ऑर्गन जो हमारा दिल धड़कता है पूरा का पूरा। और अफ इदा कहते हैं वो दिल का हिस्सा जिसमें फीलिंग, एहसासात, ये सारी चीजें उभरती हैं, उसको कहते हैं फुआद। इस जगह तक आके पहुंचने का क्या मतलब है? दिलों तक आके पहुंचने का एक मतलब ये है कि ये आग उस जगह तक पहुंचेगी जो इंसान के बुरे ख्यालात, फासिद अकायद, नापाक ख्वाहिशात और जज्बात, खबीस नियतों और इरादों का मरकज है। मतलब इन सब चीजों का, सारी ये आग कहाँ पहुंचेगी? दिल के उस हिस्से में जहां ये सारे नापाक ख्याल थे जिसकी वजह से इंसान ने क्या किया, हुमजह और लुमजह किया। अपने को बरतर समझ रहे हैं, दूसरे को हकीर समझ रहे हैं, अपने को अच्छा समझ रहे हैं, दूसरे को बुरा समझ रहे हैं। तो ये फीलिंग, जिस फीलिंग के तहत ये गुनाह हुए जबान से हमारे, उसी दिल की उस जगह तक ये आग पहुंचेगी। दूसरा मतलब इसका ये है कि अल्लाह की वो आग दुनिया की आग की तरह अंधी नहीं होगी। कि देखिए, दुनिया में आग लगे तो, अगर आग लगती है तो उस आग की चपेट में जो भी आ जाए वो जल जाएगा, चाहे उसका, उस आग का वो मुस्तहक हो ना हो। लेकिन ये मुजरिम के दिल तक पहुंचेगी और उस मुजरिम के जुर्म के उसकी नौयत मालूम करेगी, और हर एक को जो उसके जुर्म के बराबर का हक होगा, जो उसकी सजा का हक होगा, उतना ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। जिस कदर उसका जुल्म होगा उस कदर उसकी वो ये आग उसको पहुंचेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निया विच विद विच द पर्सन हैज डन ये हुमजा और लुमजा। अब देखिए, इन नहा, ये हु जो होती है, हु ये हिज के लिए होती है और हा हर के लिए होती है। अगर ये थोड़ी सी अरबिक पढ़ लेंगी आप तो आपको पता चल जाएगा। इन नहा, अब यहाँ आ रहा है, मैं लिखूंगी बेशक वो। अब यहाँ पे तो हम नहीं बता रहे हैं ना कि क्या चीज है, बेशक वो। लेकिन चूंकि पता है कि हा का मतलब होता है हर, तो हम समझ गए कि यहाँ का मत, यहाँ आग से ही मुराद है, नारुल्लाही की ही बात हो रही है, आग की ही बात हो रही है, हुतमा की ही बात हो रही है। इन्नहा बेशक वो, अलैहिम, अब यहाँ सब प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। अरबिक मतलब कुरान को समझने के लिए और सही समझने के लिए जमायर का जानना, यानी प्रोनाउंस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका सही इस्तेमाल, सही शेप, सही पहचान होना, तब हम आयतों को सही समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये दो लफ्ज से मिलके बना, अला और हुम। आपको पता है कि कुछ अल्फाज के आगे जब हम आता है तो हिम में चेंज हो जाता है जबान पे, सहूलत के लिए अल्लाह सुबहानहु ताला ने ऐसा किया। अलग अलग ये ऐसे ही है, ये अला है और ये हुम है, मिलके ये बन गया अलैहिम। अब ये देखिए, हुम जो है वो मेल के लिए होता है और अलैहिम उन पर। अब ये उन जो है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने ये गुनाह किया, उन पर। तो ये उन क्या है? मेल है। यहाँ पे उन मेल हुआ और ये चला गया उन लोगों जिन्होंने हो मजा लो मजा किया। बेशक वो अलैहिम उन पर मुसदा, मुसदा का रूट लेटर है वाव स्वादाल, बंद, क्लोज्ड, बंद की हुई है। अब बता रहे अल्लाह सुबहानहु ताला कि ये आग में उनको डाल के फेंक दिया गया ना, लयुम बदन, आग में उनको डालकर और फिर ये बंद कर दी गई है, मतलब क्लोज्ड है। इसमें ना कोई खिड़की होगी, ना कोई होल होगा, ना कोई हीट बाहर निकलने की, जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं आएगी। अवन का आप इमेजिन करें कि आप जब कुछ पकाती हैं अवन में तो क्या करती हैं, उसको बंद कर देती हैं और आप यू मेक श्योर कि कोई हीट उसकी बाहर ना जाए जिससे बेकिंग अच्छी हो जाए, कम वक्त में हो जाए और अच्छी हो जाए। बिल्कुल अवन समझे आप, और ये अवन तो ना समझे, ये जहन्नम की बात हो रही है। तो इन नहा अलैहिम, बेशक वो यानी आग उन पर मुकसदा बंद की हुई है, मतलब उसको ढांक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और कोई भी उसकी तपिश, उसकी हीट बाहर निकलने नहीं पाएगी।
इन्नहा बेशक वो अलैहिम उन पर मुकसदा बंद की हुई है। यही पे याद किया करें हम, देखें इसीलिए कम से कम 3-4 बार पढ़ते हैं कि आप यही सुन सुन के ही याद हो जाए, अगर याद ना हो तो कम से कम आसान हो जाए। फी में अमद अमदिन सुतूनों, पिलर्स सुतूनों में, जहन्नम उस वहां की पूरी कैफियत का बयान कर रहे हैं, हुतमह के बारे की एक्सप्लेनेशन चल रही है। सुतूनों में मुमत्तदा, इसका रूट लेटर मीम दाल दाल। आप लोग पढ़ती है ना, जब उस पर पढ़ती है तो कहती मद आ गया, इस तरह करके मद को करती है ना कि मद है। मद का मतलब क्या होता है कि अब अगर किसी लफ्ज पे मद आ गया तो अब आप इसको बा लंबा करेंगी, है ना। तो मद का मतलब होता है लंबा करना, लंबा, ठीक है। मीम दाल दाल का मतलब होता है लंबा करना, और यही मीनिंग यहाँ पे है। फी अमदिन सुतूनों में लंबे लंबे, और ये मुमद्दह जो ये आप इस शेप में जब ये गया तो इसका मतलब हो गया बहुत लंबे लंबे लंबे। इमेजिन करें कि लंबे लंबे सुतूनों में, इसके तीन मीनिंग किए गए तफासीर में, वो तीनों बता देते हैं कि एक ये कि जहन्नम के दरवाजों को बंद करके उन पर ऊंचे ऊंचे सुतून गाड़ दिए जाएंगे और फिक्स हो जाए जिससे। दूसरा मतलब ये है कि मुजरिम ऊंचे ऊंचे सुतूनों से बंधे हुए होंगे, जहन्नम के अंदर बड़े बड़े सुतून होंगे, उसमें मुजरिम बंधे हुए होंगे, वो भाग ना सके, उन्हें हेल्पलेस कर दिया जाएगा। तीसरा मतलब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने ये किया है कि उस आग के शोले लंबे लंबे सुतूनों की शक्ल में उठ रहे होंगे, मतलब वो छोटी मोटी फ्लेम नहीं होगी, बल्कि उस आग की फ्लेम बहुत लंबे लंबे पिलर्स के ही तरह से उठ रहे होंगे। तो ये तीनों ही माना डिफरेंट तफासीर में आई। ये किया गया था कि वमा अदरा कमल हुतमा, तो यहां से हुतमा की ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि देखिए ये सूरा पूरी की पूरी, मैं इसका अगर यहाँ टाइप जबान के जरिए हुए गुनाह, जाहिर गुनाह तो दिल के इरादों से ही होते हैं, तभी आपने देखा कि सजा मिल रही है दिल को, है ना, सजा मिल रही है दिल को, क्योंकि दिल, लेकिन उस दिल के ख्याल को बाहर किसने निकाला, जबान ने निकाला। सुभान अल्लाह, पहले जब आप याद करें कि आज से 50 साल पहले एटलीस्ट जब इंसान हम किसी के साथ होते थे तभी जबान का इस्तेमाल करते थे, जब अकेले में होते थे तो वो खामोश चुपचाप बैठे बोर ही हो रहे होते थे या कुछ कुछ कर रहे होते थे, अपनी कुछ हॉबीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जबान इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मामला क्या है कि जब हम लोगों में हैं तो शायद कि खामोश रहे, ऐसा पॉसिबल है कि जब हम लोगों के बीच में हैं तो हो सकता है कि खामोश हो, लेकिन आजकल के फोन के जमाने में, वो भी मोबाइल के जमाने में, कि जब हम अकेले होते हैं तो बिल्कुल ही खामोश होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और जब आप अकेले हैं कोई देख भी नहीं रहा है, ऐसा लगता है जब हम अकेले हैं हमको कोई देख भी नहीं रहा है, तो अल्लाह के देखने का ख्याल दिमाग से निकल जाता है, फिर फोन पे हम चाहे गीबत में लग जाएं, चाहे शिकायत में लग जाएं, चाहे हुमजा में लग जाएं, चाहे लुमजा में लग जाएं, जिससे बात करें चाहे उसी को तकलीफ पहुंचा दें, नहीं तो थर्ड पर्सन की बात करते रहें। तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा बचना है, अगर कोशिश हो कि हम बात करें तो अच्छी करें और वरना खामोश रहें। ये है अमल की बात कि बात निकले तो अच्छी निकले वरना खामोश। क्यों हम इन सब चीजों में हुतमा की से खौफ नहीं आया हमें? हुतमा के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि ये नारुल्लाही, और तो हमें इंशाअल्लाह ताला इससे बचना है। हमारे लिए भी दुआ करें और हम सब एक दूसरे की इसमें हेल्प भी करें, जहां कहीं ऐसी बात हो तो कोशिश करें हिम्मत करके बात को डेविएट करने की, बात को हटाने की, इस तरह की इंशाअल्लाह ताला। तो आज तो मैं क्लास खत्म करती हूँ और मैं पोल कर लूंगी, और आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैं कल ही कर लूँ 1 घंटे की या अगले हफ्ते वेंसडे को ही करूँ, एज 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 डिसाइडेड, मतलब जैसे पहले हमने डिसाइड किया था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये चीज हमारी समझ में आए कि बाज दफा, यहाँ तो देखिए इसकी बात थी, बाज दफा हम ये माल की वजह से इसके पास ये ताकत आई थी ना, बाज दफा हमारे पास माल कम भी होता है, हमारी उम्र बड़ी होती है, उम्र की वजह से भी स्टेटस आ जाता है हमको,
इसीलिए मैंने बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था, बच्चों की एक बच्चों पे जो नुक्ताचीनी ऐब जुई कर देते हैं, हम बड़ी उम्र के हैं, वो बच्चे हमारे सामने जबान नहीं खोल सकते, है ना। और खासकर हमारे खानदान में तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है कि बहुत अदब और बहुत इज्जत, और ये चीज हमारे बड़ों ने इतना कायम रखा और सिखाया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हम कभी भी ना करें। हम अपने हमको जो इज्जत मिलती है बड़ी उम्र होने की वजह से, या हमारे से बड़े को किसी को मिलती है बड़े होने की वजह से, तो अपनी इस पोजीशन को, अपनी इस स्टेटस को, तो हम उसकी वजह से भी नहीं कि हम किसी बच्चे का मजाक बना लें, किसी बच्चे को बिला वजह डांट लें, किसी बच्चे को बहुत बड़ी गैदरिंग है उसमें हम कुछ कह दें, पूरे बच्चे की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। और एक खराब साइकोलॉजी के साथ बड़ा हुआ लड़का, ना उसका फैमिली सिस्टम सही, ना उसकी जॉब सही, वो पूरा एक अजीब सी ही शख्सियत होता है। तो हमें इस चीज से बचना है इंशाल्लाह ताला। और जो मैं सबसे बड़ी बात कह रही हूँ कि सुनने से पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है कि अकेले में बैठ के हम अपने आप को स्कैन कर लें। हमारी जो 50-60 साल की जिंदगी, 20 साल की, 70 साल की जिंदगी गुजरी है, उस जिंदगी को जब मौत का फरिश्ता आएगा तो पूरा ये हमें फ्लैश आएगा 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस वक्त अस्तगफार भी काम नहीं आएगा। तो क्यों ना हम अकेले बैठ के खुद ही देख लें कि हमने क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की और क्या क्या किया, और अभी हमारे पास वक्त बाकी है, इसमें हम सुधर के जिंदगी गुजार लेंगे। जितनी भी बची हुई है तो अल्लाह ताला इसकी रहमान और रहीम की सिफत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला देखेंगे कि इस सूरह को पढ़ने के बाद वो सुधर गया, तो अल्लाह ताला हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।